बैटमा नगर में विधायक विशाल पटेल पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के लिए रूप में एक बड़ा भक्तिमय आयोजन कराने जा रहे हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम से पूर्व विधायक विशाल पटेल ने बैटमा नगर की धर्म प्रेमी जनता से चर्चा की और कथा को लेकर उनके सुझाव जाने। इस दौरान बड़ी संख्या में बैटमा नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही युवा और बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रही, जिन्होंने कार्यक्रम में शिव महापुराण कथा को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। वहीं 28 फरवरी से 6 मार्च तक होने वाली इस शिव महापुराण कथा के लिए विधायक विशाल पटेल ने सभी से चर्चा कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बैटमा नगर की धर्म प्रेमी जनता से सार्थक चर्चा हुई, जिसमें सभी ने भरपूर सहयोग देने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि कथा में किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा, पूरा खर्चा विधायक विशाल पटेल स्वयं उठाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बैटमा नगर की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा, वहीं सातों दिन पूरा बैटमा नगर भक्तिमय नजर आएगा। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। महिला मंडल को लेकर अभी तो बहुत सारा उमंग है, नारी शक्ति में बहुत सारी खुशियां हैं, सबके सहयोग से ये कथा 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिव महापुराण की कथा है और आप लोग का सबका सहयोग है। 28 फरवरी से 6 मार्च तक ये कथा शिव महापुराण कथा स्टार्ट हो रही है, इसको लेकर सब महिला संगठित बहुत उत्साहित है और खासकर तो मतलब हम बहुत सोच रहे थे कि यहाँ कथा हो और वो इच्छा पूर्ण हो रही है हमारी, और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिएगा, सबके सहयोग से ये कथा हो सकती है और धन्यवाद। महिलाओं को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां अब बस मीटिंग हुई है और अब धीरे धीरे सब मीटिंग करके हम आपस में डिसाइड करेंगे किसको क्या करना है और आपस में सहयोग से ही जुटाएंगे और सब मिल के हम ये कथा प्रारंभ। मैं एक और इसमें निवेदन भी कर दूं कि इसमें आरती हम लोग एक पंच और बनाएंगे अलग से, एक पंच जिसमें आरती होना है अलग, क्योंकि वहां डिस्टर्बेंस इतना हो जाता है आखिर में कि वास्ता वाला बंद कर देता है, वो गुरु जी दिखते ही नहीं। आपने देखा होगा अगर आखिरी में जब आरती होती है, जब गुरुदेव पास से आरती, वो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिसके भी घर पे हो वो व्यवस्था आपको खुद को देखना। हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम गाड़ी ना अवेलेबल नहीं करा पाएंगे उस जगह, क्योंकि वो फिर किसके यहाँ गाड़ी भेजना किसके यहाँ नहीं भेजना, जिसके घर अगले 7 दिन के अंदर आपका एक फोटो और आपका विद एड्रेस प्रूफ, एक आधार कार्ड मान लो आप, आधार कार्ड और एक एक फोटो आप भेज दें ताकि आप सबके आइडेंटिटी कार्ड में बना सकूं फोटो वाले। आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां धर्म के प्रति एक अपने आप में अलग जगह है। जैसे ही मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को खबर लगी और आज अनेक संगठन एकत्रित हुए और जब एकत्रित हुए हर एक व्यक्ति ने अपने अपने सुझाव दिए और सब ने मुझसे वादा किया कि हम इस क्षेत्र के अंदर 7 दिन जो है पूरा माहौल जो है वो त्यौहार की तरह मनाएंगे, क्यों हर घर मेहमान रहेगा, हम अपने आप का घर दिवाली की तरह सजाएंगे और जो बाहर के मेहमान भी अगर कहीं यहाँ आते हैं सुनने के लिए तो उन्हें हमारे घर में जगह तो ठीक है पूरा, कोई रंगोली से तो कोई पानी की व्यवस्था से, अरे कोई खाने की व्यवस्था से, अलग अलग लोगों ने मुझे सुझाव भी दिया, कहा कि हम इसे 7 दिन अपने आप में त्यौहार की तरह मनाने वाले हैं ताकि पूरी एक मिसाल पेश हो सके कि इस मध्य प्रदेश के अंदर जो कथा बैटमा में हुई वो मेहमान नवाजी से आम जनता ही नहीं गुरुदेव भी यहाँ से खुश होकर जाए, कि जनता जो लाखों की संख्या में जो आने वाली है वो यहाँ खुश हो और हमेशा सालों साल बैटमा की कथा को याद रखें। दूरस्थ अपील करना चाहेंगे सब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ बाहर के जितने भी लोग गुरुदेव की कथा सुनने आने चाहते हैं और जो रहेंगे, हर एक व्यक्ति की हम प्रयास करेंगे कि सबकी व्यवस्थाएं पर्याप्त हो ताकि जो रात को यहाँ रहे तो उनकी भोजन की व्यवस्था और उनकी रहने की व्यवस्थाएं भी हम सुचारू रूप से कर सकें। वो रजिस्ट्रेशन पहले ही आप लोग हमें बता दें ताकि हम आप लोगों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर सकें और संपूर्ण बैटमा हर एक व्यक्ति हर वर्ग
मेरे साथ में है, ये देखकर मैं अपने आप में बहुत प्रफुल्लित भी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे बेटमा को जिस प्रकार से आपने आगे होकर मुझे कहा कि हम सब त्यौहार की तरह मनाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि इस कथा निश्चित तौर पर एक नया आयाम लिखने जा रही है, इस बेटमा का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।